कब आएगा मेरे बंजारे, वो कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे। ओ तू लगी आया सिपाही, कहाँ पीछे रह गए? पीछे कहाँ मिल गए हमारे भैया? अच्छा बताओ, हिमांशु सिंह लंबादार पूरे राय का प्रवाह, ये उनकी तरफ से भैया सही है ना? हिमांशु सिंह, हिमांशु सिंह पूरे राय का प्रवाह 50 रुपया के पहले जो लड़की आई थी गाना गाया था उसी के लिए 50 रुपए का स्पेशल पुरस्कार। हाँ भैया आओ साथ में चलिए, और लड़की का वो बाबा का पता लगाते हैं कहाँ मिलती है। और त्रेता में श्री विष्णु का अवतार हो गया, त्रेता में श्री विष्णु का अवतार हो गया, त्रेता में श्री विष्णु का, त्रेता में श्री विष्णु का अवतार हो गया। कौशल्या बोली दर्शन हे सरकार हो गया, इतनी दूर निकल आए हैं। हमका लागत बबौना जौन है बिटिवा बन गए का हो, ऐसा न हो कि तू ना आए और कोई ले जा। भाई आवाज आवाज तो बड़ी सेक्सी है यार। अरे सेक्सी नहीं, अच्छी अच्छी है। और सबसे पहले बात तो ये है कि प्यास लगी चली आ रही है, पानी कहीं मालूम है? जंगल में कहा पानी भरा है। ऐसा न हो कि तू न आए डोली और कोई ले जाए। ए भैया इसी आवाज की तरफ चलिए, हो सकता है इस लड़की को पता होगा कि पानी कहाँ मिलेगा। हाँ गला सूखा जा रहा है। हाँ इस लड़की के पास चला जाए, पहले पानी पीने के लिए उससे पूछा जाए और फिर उसके बाद इसी लड़की से बाबा का पता पूछा जाए। हाँ
देवी भिजी, प्यास से गला सूखा जा रहा है, हम लोगों की जान जा रही है, कृपया थोड़ा पानी पिला दीजिए। पानी पिला दीजिए देवी जी, हम लोगों की जान जा रही है। देवी जी पानी पिला दीजिए, दया की नजर कीजिए, पानी पिला दीजिए। ये कहीं दूर के मुसाफिर हैं और इनकी प्यास से जान निकलने वाली है, और इस वक्त भी इन लोगों की मदद नहीं करती तो इन लोगों की जान निकल जाएगी, मर जाएंगे बेचारे। इस लोगों की मदद करना मेरा फर्ज है। चलो ठीक है, लेकर आ रही हूँ। सिपाही प्यास से बुझ गई, प्यास के एकदम हरेली आ गया, बदन में हरेली आई ही गई। देवी जी लेकिन मुसाफिर आपने पानी पिलाया, आपका एहसान बहुत बड़ा है, आपका एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा। देवी जी नमकीन पानी, मैं आप लोगों से जानकारी करना चाहती हूँ। क्या जानकारी करना चाहती हूँ? इनसे कि हमसे? दोनों लोग से, साथ में तुम भी ना, सुन लो मेरी बात। हमारो व्यवस्था है, आए हो किस वास्ते और भी आवान दरमियान, किसके हो तुम लाटिले, कहां तुम्हारो और सच कहो हाल दिल सच कहो, सच कहो सच कहो हाल। सच कहो हाल दिल कुछ कहो, इसलिए आए हो आया तो करो, इसलिए है ऐसी जो तुम पे पड़ी, क्या मुसीबत है ऐसी जो तुम पे पड़ी, भूखे प्यासे भटकते बियाबान क्यों, भूखे प्यासे भटकते बोली मुसाफिर, आप लोग कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं और कैसे इस बियाबान जंगल में भटक रहे हो? देवी जी अगर जानना चाहती हैं तो सुनो। ओ वतन मेरा, धारा नगर, देवी ली जय जान।
इकलौता रब का पिशर कुंवर विजय सिंह विजय सिंह और मैं हूं पर किसका मारा मारा फिर उदल बदल देवी जी श्राप बाबा ने मेरे पिता को दिया खोज में बस उन्हीं के वो आया इधर खोज इसमें कोई एहसान की बात नहीं है। इसी जंगल में का फर्ज होता है देवी जी राजकुमार साहब इसी जंगल में किसी बाबा ने मेरे पिताजी को अंधा होने का श्राप दे दिया है। बस मैं उन्हीं बाबा की खोज में उन्हीं की तलाश करते करते इधर आया हूँ। वो जहां पर मिलेंगे मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करके उनसे श्राप को वापस करवाऊंगा, अपने पिताजी को श्राप से मुक्ति दिलाऊंगा। तो बाबा की तलाश में आए हो तुम? हाँ देवी जी। बाबा का हेरी से अगर जाना तो बता। बाबा का मालूम हो अगर पता तो बता दीजिए। बाबा तो मेरी जिंदगी है, बाबा को दिलो जान से मैं चाहती हूँ। कहा बाबा तुम्हारी जिंदगी है और क्या, हम सब गंदगी हैं। अगर बाबा आपकी जिंदगी है तो देवी जी आप तो अगर चाह ले तो हमारी मुश्किल शीघ्र ही आसान हो जाए। सिर्फ दो जिस्म है एक जान है। दया की नजर कर दीजिए देवी जी, दया की नजर कर दीजिए। ओए क्या कह रहे हो तुम? दो जिस्म एक जान है तो बाबा की तुम जान हो। बेहद चाहती हूँ बाबा को और बाबा भी मुझे जब तक देखते नहीं चैन नहीं मिलता उन्हें। अरे सिपाही बाबा का एक सिस्टम चल रहा। अरे सिस्टम नहीं कर, ऐसा भी होता है जैसे माँ बेटे का प्यार होता है, सोचिए तो जरा। सुनो काट बाबा की मैं जान हूँ, बाबा मेरी जान। सुनो हम सब प्यारे का समान है, बाबा कोई और नहीं है, बाबा मेरे पिताजी हैं। अरे तो ससुर है। किसके ससुर है? अरे कहूँ तो ससुर बनी है, जब बिटिया है तो ससुर तो बनवे कह रही है। हाँ तो जब बनेंगे तब बनेंगे, अभी कहाँ बनेंगे। तो बाबा को जानती हो? बाबा को जानती नहीं, मेरे पिताजी मैं बता रही हूँ। तो अपने बप्पल के लाले चलो हम बातचीत करो। देवी जी अगर आपके पिताजी हैं तो मेरे लिए रिक्वेस्ट कर दीजिए। घबराओ नहीं राजकुमार साहब, चलो मेरे साथ में, मैं अपने पिताजी के पास ले चलती हूँ, तुम्हें मिला देती हूँ। जहाँ तक हो सकेगा मैं आपकी मदद भी करूँगा, तुमसे मिलवा के क्या फायदा होगा। नहीं,
वो अपन परेशानी दूर करी है, हम परेशानी दूर करा ले। तुम्हारी कौन सी परेशानी है? वो बाबस बताओ, ले चलो हमका बाबस मिलाओ। देखो वहाँ गड़बड़ सड़बड़ मत बोलना। का है? नहीं, हमारे पिताजी बहुत गुस्से में रहते हैं। नहीं, उनका तो हम जानी थे, हम बहुत गुस्साहिल हैं, तो वहाँ कुछ ना बोला, खाली बाप महाराज की आंखें ठीक होने की बात करूंगा। हाँ चलो ठीक है, वहाँ कुछ बोलोगे ना तो समझ लियो महाराज को तो आंखें की सजा दी है। हाँ। और तुम्हें ऐसी सजा देंगे ना कोई काम की नहीं रह जाओगे। तो हम कोनो काम के वैसो नहीं ना, यही से तो हम बाबा से मिला चाहे थे, कोनो जड़ी वड़ी खुदाई ले तो हम चलो हम बात कर। चलो ठीक है। सिपाही तुम हंसा था, तुमने सीधा ये नहीं बताया कि मैं कुचरिया गया था, मैं वही बेकार हो गया। बात समझो, हम किस काम के हैं? जिसके माँ बाप अंधे हो। हाँ तो किस काम के हैं? उसके औलाद किस काम के हैं? किस काम के? किसी काम के नहीं। तुम बात समझो ना। मैं समझ रहा हूँ। तुम वो वाली समझो। मैं समझ रहा हूँ। वह का शंका ना करो, वह माँ बाप ताकत है, और यकीन न हो तो ले चलो त्रिलोकपुर। चल चल।